बिल्कुल सही पढ़ा है आपने थंबनेल पर। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं जो कि प्रीवियस ईयर फार्मासिस्ट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कौन कौन से वो क्वेश्चन थे, वो भी पूरे एक्सप्लेनेशन और ट्रिक के साथ में। तो 2019 में जितने भी फार्मासिस्ट एग्जाम में क्वेश्चन आए थे फार्माकोग्नोसी से, उनको आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इसी प्रकार से और वीडियो हम फार्मासिस्ट की लाते रहेंगे, इसीलिए आप इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको और फार्मासिस्ट के क्वेश्चन मिलते रहें। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए थे। तो ESIC फार्मासी 2019 की बात करें तो उसमें क्वेश्चन था द किलर किलानी टेस्ट इज स्पेसिफिक फॉर, ऑप्शंस था कैस्केरोसाइड, ट्रूनासीन, लिनामेरिन एंड डिजिटक्सोज। और वहीं पे 2019 में ही रेलवे फार्मासिस्ट की बात करें तो उसमें भी केमिकल टेस्ट से क्वेश्चन आया था जो कि था विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक केमिकल टेस्ट टू आइडेंटिफाई एंथ्राक्विन ग्लाइकोसाइड इन एलो, जिसमें ऑप्शन था ब्रॉनटेगर टेस्ट, लीगल टेस्ट, किलर किलानी टेस्ट एंड मॉडिफाइड ब्रॉनटेगर टेस्ट। सो इन दोनों क्वेश्चन में आपने देखा होगा केमिकल टेस्ट से है जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड और एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड से पूछा गया है, और मींस ये ग्लाइकोसाइड के क्वेश्चन है। और इसके सही आंसर क्या होंगे, तो किलर किलानी टेस्ट किसके लिए होता है, मेनली डिजिटक्सोज सुगर के लिए होता है, और एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड में मेनली ब्रॉनटेगर टेस्ट से होता है। बट यहाँ पे पूछा गया है एलो के लिए, और एलो क्या है, आपका सी ग्लाइकोसाइड होता है जिसके लिए मॉडिफाइड ब्रॉनटेगर टेस्ट किया जाता है। तो चलिए चलते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर जिसको हम ट्रिक के थ्रू देखने वाले हैं। तो यदि कार्डियक ग्लाइकोसाइड की बात करें, कार्डियक ग्लाइकोसाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास टेस्ट होता है किलर किलानी टेस्ट, कैट टेस्ट एंड बाल्टी टेस्ट, रेमन टेस्ट, लीगल टेस्ट एंड एंटीमनी ट्राइक्लोराइड टेस्ट, जिसमें से किलर किलानी टेस्ट मेनली डिजिटक्सोज सुगर के लिए किया जाता है। और यदि हम बात करें कैट टेस्ट की, कैट टेस्ट किसके लिए होता है, कैट एंड बाल्जे टेस्ट होता है, कैट टेस्ट एंड बाल्जे टेस्ट होता है इलेक्ट्रॉन रिंग, जो आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड है उसमें क्या होता है इलेक्ट्रॉन रिंग प्रेजेंट होता है जिसके कारण उसकी कार्डियक एक्टिविटी होती है। तो इसके टेस्ट के लिए कैट टेस्ट होता है एंड बाल्जे टेस्ट। तो अब इसको याद कैसे रखें, याद करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक देखते हैं। समझ लीजिए एक किड है, किड को क्या कहते हैं हम हिंदी में, बालक कहते हैं, और इस किड को क्या चाहिए, रेमन कंपनी का लेबल इसको चाहिए था, रेमन कंपनी का लेबल चाहिए था और वो दिखने में बहुत सुंदर था, लेबल बहुत ही सुंदर था, तो हम उसको क्या कहते थे, बहुत किलर लग रहा है, और ये बहुत ज़्यादा महंगा था, पर इस बालक के पास क्या था, मनी तो बिल्कुल नहीं था खरीदने के लिए, तो क्या हो गया एंटी मनी, मनी बिल्कुल नहीं था तो क्या हो गया एंटी मनी। तो चलिए इसे को क्या करते हैं, कोरिलेट करते हैं, तो ये क्या हो गया किड था, किड से क्या हो गया कैट टेस्ट, किड को क्या कहते हैं हिंदी में, बालक, तो हो गया बाल्जे टेस्ट, और क्या चाहिए था उसको, रेमंड कंपनी का रेमंड टेस्ट हो गया, क्या चाहिए लेबल चाहिए, लेबल से क्या हो गया लीगल टेस्ट, फिर क्या हुआ इसको बहुत सुंदर दिखता था रेमंड कंपनी का लेबल, तो वो क्या होता था किलर लग रहा है कहते थे, तो किलर से हो गया किलर किलानी टेस्ट, और इसके पास इसको खरीदने के लिए पैसे नहीं थे तो क्या हो गया एंटी मनी ट्राइक्लोराइड, एंटी मनी पैसे नहीं थे। तो इस छोटे से स्टोरी से आप क्या करेंगे, कार्डियक ग्लाइकोसाइड के जितने भी टेस्ट है उसको याद कर लीजिए। अब आते हैं एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड में, एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या होता है, मॉडिफाइड ब्रॉनटेगर टेस्ट एंड ब्रॉनटेगर टेस्ट, और ब्रॉनटेगर टेस्ट किसके लिए होता है, जनरली ओ ग्लाइकोसाइड, जिसके एग्जाम्पल है सेना और रुबाब, जिसको आप ओ आर एस से भी याद कर सकती है, ओ आर एस घोल से सेरना एंड रुबाब, एंड जो मॉडिफाइड ब्रॉनटेगर टेस्ट है ये होता है मेनली सी ग्लाइकोसाइड के लिए, जिसके एग्जांपल एलो एंड कैस्केरा है, इसको भी आप ए सी सी सीमेंट से याद रख सकती हैं, एलो कैस्केरा जो कि है सी ग्लाइकोसाइड, और इसके लिए मेनली होता है मॉडिफाइड ब्रॉनटेगर टेस्ट। इन दोनों में यदि डिफरेंस की बात करें तो केवल ये डिफरेंस रहता है, ब्रॉनटेगर टेस्ट में आपको देखने को मिलेगा जब आप इसमें बेंजीन और क्लोरोफॉर्म ऐड करेंगे, बट इसमें सिर्फ यही डिफरेंस है कि मॉडिफाइड ब्रॉनटेगर टेस्ट में आपको FeCl3 एंड HCl ऐड करना होगा, दोनों में कलर पिंक ही अल्टीमेटली आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो ये था आपके लिए क्या था आपका कार्डियक ग्लाइकोसाइड एंड एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के टेस्ट। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, और कौन कौन से क्वेश्चन आए गए थे। तो था द सोर्स ऑफ विनक्रिस्टिन इज, विनक्रिस्टिन का सोर्स क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया था रेलवे फार्मेसी 2019 में, जिसमें ऑप्शन था कैथेरिन थेस्रोजियस,
प्यूनिया ग्रेनिटम रिजिनस कम्युनिस एंड सोलेनम पेनिनक्युलेटम, ठीक है। और इसका करेक्ट आंसर होगा कैथेरेन्थस रोजिया, विनका। विनका जहां से हमको विन क्रिस्टी ऑब्टेन होता है, विनका को क्या कहते हैं हम, कैथेरेन्थस रोजियस। तो चलिए आते हैं एक्सप्लेनेशन, देख पाएंगे आप विनका, जिसको हम क्या कहते हैं, पेरीविंकल, सदाबहार, सदाफूल, ये इसके कॉमन नेम है। एंड ये हमें ऑब्टेन होता है ड्राइड होल प्लांट, इसके सारे पार्ट का हम यूज करते हैं मेडिसिनली। ये हमें कैथेरेन्थस रोजियस प्लांट से ऑब्टेन होता है, इसका बायोलॉजिकल सोर्स। फैमिली इसकी है एपोसाइनेसी, एंड इसमें केमिकल कॉन्स्टेंट होता है विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, अजमेलिसिन, सर्पेंटीन, ये इसके एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट है। और ये हमें एंटी कैंसर की तरह यूज होता है, साथ ही साथ ये हमें हाइपोटेंसिव की तरह भी यूज होता है। तो इसको यदि याद करने का ट्रिक देखें तो समझ लीजिए, एक गर्ल है जिसमें क्या है, बहुत सारे रिंकल हो गए हैं, जिसका नाम है परी। तो परी में क्या हो गया, बहुत सारे रिंकल, और वो हमेशा बाहर जाती थी। बाहर जाती थी क्या करने के लिए, अपने कैट को रन कराने के लिए, अपने कैट को रन कराने जाती थी, क्या करने, वो भी वाइन पीने जाती थी बहाने से, कैट को रन कराने के बहाने से वाइन पीने जाती थी, और उसके चेहरे में बहुत सारे रिंकल हो गए थे, इसीलिए उसे अपोलो फार्मेसी जाना पड़ा अल्टीमेटली। तो अब इसी को क्या करेंगे, जल्दी से कोरिलेट कर लेते हैं। तो कैसा था, उस परी में रिंकल था तो पेरी विंकल हो गया। उसके बाद ये क्या करती थी, कैट को रन कराने जाती थी रोज, तो कैट को रन कैथेरेन्थस, वो भी रोज जाती थी तो रोजियस। तो क्या करती थी, वो भी बहाना था वाइन पीने का, तो वाइन से हो गया विंका, और उसको अपोलो फार्मेसी जाना पड़ा। अपोलो फार्मेसी से एपोसाइनेसी है, जो कि इजली याद रहेगा। अब उसमें ऑप्शन था रिजिनस कम्युनिस, तो रिजिनस कम्युनिस क्या होता है, आपका कैस्टर ऑयल, जिसको आप रिजिनस ऑयल या इरंडी तेल भी कहते हैं। और ये कहाँ से ऑप्टेन होता है, रिजिनस कम्युनिस, इसके फैमिली है U4BAC, और इसका मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट होता है रिजिनोलिक एसिड, रिनोनिक एसिड, ये सारे मेन एक्टिव केमिकल कॉन्स्टेंट है। और इसका यूज एज अ कैथार्टिक, और साथ ही साथ इंक प्रिपरेशन, ग्रीस वगैरह में हम करते हैं। इसका यदि हम ट्रिक की बात करें कैसे इसको याद रखें, तो इसके लिए भी एक छोटा सा ट्रिक देख लेते हैं। द ट्रिक इज कस्तूरी टोल्ड ऋषि कम फॉर BSc। क्या कह रही है, कस्तूरी ऋषि आया है BSc करने के लिए। तो क्या हो गया आपका, कस्तूरी से हो गया कैस्टर ऑयल, और ऋषि से हो गया रिसिनस, कम से हो गया कम्युनिस, एंड फॉर BSc से U4BAC को इससे याद रख सकते हैं। साथ ही साथ ऑप्शन में आपको प्यूनिका ग्रेनेटम दिया गया था, जो कि होता है आपका अनार, एंड साथ ही साथ दिया गया था सोलेनम पेनिनक्युलेटम, जो कि होता है जुरुबेबा। जुरुबेबा से हम इसको क्या करते हैं, जुरुबेबा कहाँ से ऑप्टेन करते हैं, सोलेनम पेनिनक्युलेटम से ऑप्टेन करते हैं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में, इसका करेक्ट आंसर था विनका, जो कि है आपका कैथेरेन्थस रोजियस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आयुर्वेदिक प्रिपरेशन कंटेनिंग सेल्फ जनरेटिव एल्कोहल, जो कि क्वेश्चन आया था ESIC फार्मासिस्ट 2019 में। ऑप्शन थे अश्वा, गुटिका, चूर्ण एंड घृता। तो चलिए देखते हैं आंसर क्या होगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा अश्वा। अश्वा क्या होता है, चलिए ये जानते हैं। अश्वा क्या है, आपका आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, जिसमें क्या होता है, जब इसको हम सोकिंग करेंगे, मींस क्या होगा, जब इसको गीला करेंगे या फिर इसका डिकॉक्शन करेंगे, तो क्या होता है, इसमें फर्मेंटेशन के थ्रू सेल्फ जनरेटेड एल्कोहल बनने लगते हैं, जो कि एज अ प्रिजर्वेटिव इसमें काम करता है। क्या करेगा, प्रिजर्वेटिव की तरह ये काम करता है, जिससे कि क्या होता है, बहुत टाइम तक ये क्या करते हैं, बहुत टाइम तक इसका प्रिजर्वेटिव की तरह ये यूज होता है, प्रिजर्वेटिव की तरह ये काम करेगा, इसमें अल्कोहल फर्मेंटेशन के थ्रू बनते रहते हैं। तो ये क्या है, आपका अश्वा है। और यदि चूर्णा की बात करें तो ये होते हैं फाइन पाउडर होती है, ड्रग की फाइन पाउडर को हम चूर्णा कहते हैं। और यदि वाटी या गुटिका की बात करें तो ये क्या होता है, एज अ टेबलेट, टेबलेट की तरह ये होती हैं। और यदि बात करें तेला या फिर घृता, तो ये क्या है, ऑयल होते हैं जनरली, जो कि है मेडिकामेंट, घी और ऑयल, मेनली ऑयल को हम क्या कहते हैं, हिंदी में भी तेल के नाम से जानती है। तो क्या होता है, अश्वा जान गए, अश्वा में क्या होता है, ये सेल्फ जनरेटेड एल्कोहल होते हैं इसमें, जो कि प्रिजर्वेटिव की तरह एक्ट करती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, विच इज अ कार्डियक ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग क्रूड ड्रग बिलोंगिंग टू द एपोसाइनेसी फैमिली, ये क्वेश्चन पूछा गया है DSSB फार्मासिस्ट 2019 में, जिसमें ऑप्शंस था सेन्ना, कैस्करा, स्टोपेंथस एंड डिजिटेलिस।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऐसा कौन सा ग्लाइकोसाइड है जो कि कार्डियक ग्लाइकोसाइड हो और एपोसाइनेसी फैमिली से बिलोंग करता है। तो ऑप्शन में आप देख पाएंगे इसमें से कार्डियक ग्लाइकोसाइड तो सिर्फ ओनली स्ट्रोपैंथस और डिजिटलिस है, और इसमें से एपोसाइनेसी फैमिली का कौन है, तो वो है आपका स्ट्रोपैंथस। तो करेक्ट आंसर इज स्ट्रोपैंथस। चलिए देख लेते हैं जितने भी आपके ग्लाइकोसाइड हैं उनके क्या देखेंगे हम लोग, फैमिली और ड्रग। फैमिली और ड्रग की एग्जांपल देख लेते हैं, ये सारे टेबुलर फॉर्म में है ताकि आपको इजीली ये सारी चीजें याद हो और कंफ्यूजन भी ना हो। तो यदि एपोसाइनेसी की बात करें तो एपोसाइनेसी फैमिली में आता है आपका स्ट्रोपैंथस, एंड लिली इसी में एलो एन स्पील आएगा। रेमिनेसी फैमिली में कैस्केरा, पॉलीगोनेसी फैमिली का एग्जाम्पल है आपका रुबाब एंड फिनेगा, और यदि बात करें डिजिटलिस जिसको आपने ऑप्शन में देखा है, ये होता है स्ट्रोफ्यूलेरिएसी फैमिली से बिलोंग करता है। साथ ही साथ सैंडना की बात करें तो ये होता है लेग्यूमिनेसी, इसी प्रकार से डायोस्कोरिया होता है डायोस्केरेसी फैमिली से, इसी प्रकार से जो बिटर एलमंड है रोजिएसी फैमिली से। इस प्रकार से आपको दिया गया है पूरे ग्लाइकोसाइड का फैमिली एंड उसके एग्जाम्पल। तो इस टेबल को जरूर से आप कर लीजिएगा याद, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सोर्स ऑफ एलेक्जेंड्रियन सेन्ना इज, जो कि पूछा गया है DSSB फार्मासिस्ट 2019 में, जिसमें ऑप्शन था केसिया अंगस्टिफोलिया, केसिया ओबोवाटा, केसिया आरिक्यूलाटा एंड केसिया अंगस्टिफोलिया। एंड वहीं पे ESIC फार्मासिस्ट 2019 में ही सेन्ना से ही क्वेश्चन था जिसमें उसकी फैमिली पूछी गई थी, एंड ऑप्शन में दिया गया था लेग्यूमिनेसी, बुर्सेरेसी, रेमिनेसी एंड स्कोफ्यूलेरेसी। अभी हमने क्या देखा था, ग्लाइकोसाइड के फैमिली देखी थी, तो आपको फैमिली से आइडिया हो गया होगा कि ये कौन सी फैमिली में आएगा। और यदि बात करें सेन्ना के बायोलॉजिकल सोर्स की, तो वो कहाँ से ऑप्टेन होता है हमें, यदि बात करें एलेक्जेंड्रियन सेन्ना, तो एलेक्जेंड्रियन सेन्ना बेसिकली हमें ऑप्टेन होता है केसिया एक्यूटिफोलिया से, और इसकी फैमिली होती है लेग्यूमिनोसी। तो देख पाएंगे सेन्ना का ही क्वेश्चन आया था दोनों साइड आपके DSSB फार्मासिस्ट एंड ESIC फार्मासिस्ट में 2019 में ये क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो सेन्ना बहुत इंपॉर्टेंट है, चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो एक्सप्लेनेशन में दिया गया है सेन्ना का बायोलॉजिकल सोर्स सीरोनेम, और साथ ही साथ इसमें दिया गया है इसकी यूजेस को। तो इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, कैसे याद रखेंगे, चलिए देखते हैं। सेन्ना जिसका सीरोनेम क्या है आपका, सेन्ना की पत्ती, टीनी वाली सेन्ना एंड इंडियन सेन्ना भी कहते हैं। टीनी वाली सेन्ना इसीलिए कहते हैं क्योंकि टीनी वाली मदुराई जो आपका तमिलनाडु एरिया है इसमें मेनली पाया जाता है, इसीलिए इसको टीनी वाली सेन्ना कहते हैं। बायोलॉजिकल सोर्स की बात करें तो मेनली ये क्या होते हैं, ड्राइड पॉड्स या लीफलेट्स इसके यूज किए जाते हैं। इस प्रकार के लीफलेट्स होते हैं उनको हम मेडिसिनली यूज करते हैं। अब इसकी बात करें इंडियन सेन्ना, जो इंडियन सेन्ना है उसको हम कहते हैं केसिया अंगस्टिफोलिया, एंड जो एलेक्जेंड्रियन सेन्ना है उसको कहते हैं केसिया एक्यूटिफोलिया। फैमिली इसकी है लेग्यूमिनोसी। केमिकल कॉन्स्टेंट की बात करेंगे तो ये सेनोसाइट ABCD, साथ ही साथ इमोडिन होता है इसमें, और ये हमें परगेटिव की तरह यूज होता है। और यदि एडल्ट्रेशन या सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो देख पाएंगे आप डॉग सेना जिसको केकेशिया ओबोआटा कहते हैं, पेल्थ सेना जिसको अकेशिया एरिक्यूलाटा कहते हैं। तो ये सारी चीजें ऑप्शन में दी गई थी, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, केसिया एक्यूटिफोलिया जिसको हम एलेक्जेंड्रियन सेना कहते हैं। और इसके लिए यदि हम ट्रिक देखें तो क्या हो सकता है, ट्रिक देखिएगा, एक क्या था इंडियन सेना था, सेना मींस क्या होता है आर्मी, तो क्या था इंडियन सेना था पहले के टाइम में, और इसमें क्या था एक सेनापति था और जिसका नाम था टीनी वली, और उसकी बेटी थी क्या नाम था उसका केसिया उसका नाम था, और उसकी दो फ्रेंड थी, एक फ्रेंड थी जिसके साथ वो रहती थी, कौन थी, एक इंदू नाम की और एक थी आपकी एलिजा नाम की। तो जब वो इंदू के साथ रहती थी तो बहुत एंग्री लगती थी, बट जब वो क्या करती थी, जब वो एलिजा के साथ रहती थी तो बहुत क्यूट लगती थी, जिसके कारण लोगों में ना खुशी थी। तो चलिए इसी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, क्या था हमारा इंडियन सेना था एक, जिसमें कौन था सेनापति, सेना की पत्नी को आप सेनापति से याद रख लीजिए, जिसका नाम था टीनी वाली, और इसकी बेटी थी केसिया। केसिया जब क्या करती थी, वो जब इंदू के साथ रहती थी मींस इंडियन सेना, तो वो कैसी लगती थी, एंग्री, एंग्री से अंगस्टिफोलिया, बट जब वो केसिया किसके साथ रहती थी, एलिजा, एलिजा से अलेक्जेंड्रियन सेना, तो एलिजा के साथ रहती थी तो बहुत क्यूट लगती थी, तो क्यूट से एक्यूटिफोलिया।
और इसी कारण लोगों में ना खुशी था, तो लोगों में ना खुशी से लेग्यो मिनोसी को भी याद रख सकती है। तो छोटे से ट्रिक से पूरा आपको सेना का बायोलॉजिकल सोर्स सिनोनिम याद रहेगा और ये क्वेश्चन देख पाएंगे आप, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है फार्मासिस्ट के एग्जाम में। तो चलते हैं, आते हैं नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। रेलवे फार्मेसी 2019 में क्वेश्चन था, इमेटिन एंड एल्केलॉइड ऑफ इपिका किन्हा एक्ट एस। तो देखते हैं इमेटिन कौन से डिजीज के ट्रीटमेंट में आपको यूज होगा। ऑप्शंस थे एंटी मलेरियल, एंटी डायरियल, एंटीसेप्टिक एंड एमोबिसाइड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एमोबिसाइड। जो आपका इमेटिन है जिसको हम ऑब्टेन करते हैं इपिकाक से, जो मेनली एक्सपेक्टोरेंट की तरह भी यूज होता है, इमेटिक की तरह भी यूज होता है और साथ ही साथ एमोबिसाइड की तरह भी यूज होता है। यहाँ पे यदि हम बेलाडोना की बात करें, यहाँ पे पूरे टेबल में दिया गया है जितने भी आपके एल्केलॉइड हैं और उनकी थेरेप्यूटिक यूजेस के बारे में दिया गया है। तो चलिए देखते हैं, बेलाडोना यूज होता है, एंटीकोलिनर्जिक प्रॉपर्टी रखता है ये। हायोसाइमस की बात करें तो ये हमें यूरिनरी ट्रैक की जो इन्फेक्शन है, स्पाज्म है, उनसे रिलीफ प्रोवाइड कराएगा। कोका लीव्स क्या है, एज अ लोकल एनेस्थेटिक यूज होता है। एंड सिन्नामन की बात करें तो सिन्नामन हमें एंटी मलेरियल में यूज होता है, एंटी मलेरियल की तरह यूज होता है। कैंपोसिका की बात करें तो ये एंटी कैंसर है। ओपियम की बात करें तो ये पोटेंट एनाल्जेसिक की तरह यूज होता है। एंड क्यूरारी की बात करें तो ये स्केलेटल मसल रिलैक्सेंट है। एंड इरगट की बात करेंगे तो ये ऑक्सीटोसिस की तरह हमें यूज होता है। तो ये पूरे एल्केलॉइड के और उनके यूजेस के बारे में इस टेबल में समराइज दिया गया है, जरूर से इसको आप याद रखिएगा। आते ही नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आया था ESIC फार्मेसी 2019 में, पूछा गया था वेलेरिनॉन इज द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट इन। ऑप्शंस थे सिन्नामन, जटामांसी, मैरोबालिन एंड कालमेग, जिसका करेक्ट आंसर होगा जटामांसी, क्योंकि जो वेलेरिनॉन है वो ऑप्टेन होता है आपका जटामांसी से। इसके एक्सप्लेनेशन में आते हैं, जटामांसी कहाँ से ऑप्टेन होता है, मेनली आप देख पाएंगे इसको हम नाड कहते हैं, नाड के नाम से मेनली जाना जाता है जटामांसी का। और इसका राइजोम पार्ट, यहाँ पे आप देख पाएंगे राइजोम पार्ट को हम जटामांसी का यूज करते हैं। और यदि इसके सोर्स की बात करें तो ये हमें ऑप्टेन होता है नार्डोस्टेसिस जटामांसी, फैमिली इसकी है वेलेरिनेसी, वेलेरिनेसी फैमिली से ये बिलोंग करता है। और इसका केमिकल कॉन्स्टेंट होता है मेनली वेलेरिनॉन, आइसोवेलेरिक एसिड, जटामांसिक एसिड। और इसका यूज होता है एज अ सेडेटिव और डायूरेटिक में, मेनली इसको हम डायूरेटिक की तरह यूज करते हैं। तो चलते हैं, आप जान गए किससे ऑप्टेन होता है आपका जटामांसी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, कुर्ची इज एल, कुर्ची क्या है, ये क्वेश्चन पूछा गया है आपको ESIC फार्मेसी 2019 में। वहीं पे क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में ही, पिलोकार्पिन इज एन एल्केलॉइड कंटेनिंग। देख पाएंगे ये दोनों क्वेश्चन कहाँ से है, आपके एल्केलॉइडल के क्लासिफिकेशन से है, वो भी ESIC फार्मेसी 2019 में ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए थे। तो आप देख पाएंगे ऑप्शंस कौन कौन से थे, तो ऑप्शन की बात करें तो कुर्ची में था सेपोनिन एल्केलॉइड, आइसोक्विनोन एल्केलॉइड, इंडोल एल्केलॉइड एंड स्टेरॉइडल एल्केलॉइड। एंड पिलोकार्पिन की बात करें तो इसमें भी इसी प्रकार से ऑप्शन थे पायराजोल, ऑक्साजोल, इमिडाजोल एंड पायरोल। तो यदि करेक्ट आंसर की बात करें तो कुर्ची क्या होता है, कुर्ची आपका स्टेरॉइडल ग्लाइको एल्केलॉइड है। एंड पिलोकार्पिन क्या होता है, पिलोकार्पिन आपका इमिडाजोल एल्केलॉइड के अंदर आता है। तो देख पाएंगे एक टेबल से आप पूरे दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। क्या होगा, जो एल्केलॉइड का आपका क्लासिफिकेशन है उसको आप देखेंगे टेबल के थ्रू, उसके बाद आपको ये सारी चीजें इजीली सॉल्व होने वाली है। तो देखते हैं कहाँ से आया है ये क्वेश्चन, आपके इस टेबल से आप देख पाएंगे पूरे आपको ये दोनों क्वेश्चन इजीली आपसे हो जाने थे। क्या है क्वेश्चन दिया गया था आपको, एल्केलॉइड का क्या दिया गया है यहाँ पे क्लासिफिकेशन, जो पूरे टेबल फॉर्म में है। यदि आप ये बात करें ट्रोपेन एल्केलॉइड, तो ट्रोपेन एल्केलॉइड का एग्जांपल है बेलाडोना, धतूरा, सोलेनम, ये सारे क्या है आपके ट्रोपेन एल्केलॉइड का। और क्विनोलिन की बात करें तो ये होता है क्विनिन, क्विनिडिन, मेनली क्या है ये सिनकोना, सिनकोना है, कैम्पोथिका है, ये सारे क्या है आपके क्विनोलिन एल्केलॉइड में आती है। इंडोल की बात करेंगे तो इंडोल एल्केलॉइड में जैसे कि विनक्रिस्टिन मींस विनका, इरगट हो गए, साथ ही साथ क्या है आपके स्ट्रिचनिन मींस नक्स ओमिका भी क्या आएंगे आपके इंडोल एल्केलॉइड के एग्जांपल होंगे। इमिडाजोल जो कि क्वेश्चन में दिया गया था ये होता है मेनली पिलोकार्पस में होता है, और यहाँ पे इसका केमिकल कॉन्स्टेंट दिया गया है पिलोकार्पिन, जो कि इमिडाजोल रिंग कंटेन करता है।
स्टेरॉयडल की बात करें तो वेराट्रम, कुर्ची, अश्वगंधा, ये सारे आएंगे आपके स्टेरॉयडल एल्केलॉयड में। तो ये जो आपका मेनली क्लासिफिकेशन दिया गया था एल्केलॉयड का, जो कि केमिकल नेचर मीन्स कौन सी केमिकल मॉइटी इसमें प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया गया है, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपने देखा फार्मासी से एक ही साल में दो दो क्वेश्चन इससे पूछे गए थे, तो इस टेबल को भी जरूर से याद रखिए। और इसी प्रकार से फार्मासी को क्वेश्चन को जानने के लिए विद एक्सप्लेनेशन इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम इसी प्रकार से और क्वेश्चन डालें, ताकि आपको फार्मासी का क्वेश्चन है वो इजिली अवेलेबल हो जाए विद एक्सप्लेनेशन। थैंक यू सो मच।